हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टीवी एक्ट्रेस राची शर्मा की लाइफस्टाइल एंड बायोग्राफी के बारे में, जो कि इस समय नजर आ रही हैं जी टीवी के मोस्ट पॉपुलर सीरियल कुमकुम भाग्य में, जहां पर ये पूर्वी का लीड रोल प्ले कर रही हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको राची शर्मा की लाइफ के बारे में सभी बातें जानने को मिलेंगी जो शायद आप नहीं जानते हो। तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए, और अगर आप भी राची शर्मा के फैन हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनका फुल नेम है राची शर्मा और निक नेम है राची। प्रोफेशन की बात करें तो ये टीवी एक्ट्रेस, मॉडल एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। अब बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 14 फरवरी 1999, और दो थी ट्वेंट्रीज के हिसाब से इनकी एज है 24 ईयर्स। इनका बर्थ प्लेस एंड होम टाउन इंदौर, मध्य प्रदेश, इंडिया है, और अभी ये मुंबई, महाराष्ट्र में रहती हैं। रिलीजन की बात करें तो ये हिंदू धर्म से बिलोंग करती हैं और नेशनलिटी से इंडियन है। इनका जोडियक साइन अक्वेरियस है। अब जान लेते हैं इनकी फैमिली के बारे में। इनकी फैमिली में इनके फादर, मदर एंड इनके ब्रदर हैं, जिन्हें आप इमेज में देख सकते हैं। हॉबी की बात करें तो इन्हें ट्रैवलिंग, डांसिंग एंड लिसनिंग टू म्यूजिक पसंद है। अगर बात करें फिजिकल अपीयरेंस की तो इनकी हाइट है अप्रॉक्स 165 सेंटीमीटर, यानी कि 5 फीट 5 इंचेस, एंड वेट है अप्रॉक्स 52 केजी। तो चलिए अब बात करते हैं इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। इन्होंने अपनी स्कूलिंग इंदौर के ही एक प्राइवेट स्कूल से कंप्लीट की है, एंड अपना कॉलेज भी इन्होंने इंदौर से ही कंप्लीट किया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि बीबीए किया है और ग्रेजुएट हैं। तो अब जान लेते हैं इनके कैरियर और जर्नी के बारे में। राची शर्मा ने कभी भी एक्टिंग करने के बारे में नहीं सोचा था। हालांकि जब वह छोटी थीं, तो वह कैमरे और स्टेज की ओर अट्रैक्ट थीं। यह तब हुआ जब राची ने मॉडलिंग शुरू की, क्योंकि उन्हें इसका शौक था। राची शर्मा 17 साल की थीं जब उन्हें अपना पहला मॉडलिंग शूट मिला, जिसमें उन्हें अपने काम के लिए 500 रुपये मिले। बाद में राची का मॉडलिंग में इंटरेस्ट जागा, लेकिन उनके पेरेंट्स ने इसका अपोज किया। लेकिन किसी तरह राची उन्हें समझाने में सक्सेस रही और इनके पेरेंट्स उन्हें मुंबई भेजने के लिए राजी हो गए। मुंबई पहुंचने के बाद राची शर्मा ने स्ट्रगल किया और ऑडिशन दिया। कुछ टाइम बाद 2022 में राची शर्मा का सिलेक्शन स्टार भारत के सीरियल वो तो है अलबेला में एक्टिंग के लिए हो गया, और इन्होंने रश्मि का लीड रोल प्ले किया। इसके बाद राची शर्मा को पॉपुलैरिटी और पहचान मिली। फिर 2022 में ही ये टीवी सीरियल दुर्गा और चारू में दिखाई दी। यहां पर भी इन्होंने दुर्गा का लीड रोल निभाया। और अब 2023 में राची ने जी टीवी के पॉपुलर सीरियल कुमकुम भाग्य के 20 साल के लीप से अपना कमबैक किया है, और यहां पर ये प्राची की बेटी पूर्वी का मुख्य किरदार निभाते हुए नजर आ रही हैं। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि राची शर्मा दर्शकों का ध्यान आकर्षित कर पाती हैं या नहीं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या राची ये रोल अच्छे से निभा पाएंगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब बात करते हैं इनके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में। मैरिटल स्टेटस की बात करें तो ये अनमैरिड हैं, और रिलेशनशिप स्टेटस की बात करें तो इनके रिलेशन के बारे में हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कीजिए। तो अब बात करते हैं इनके मनी फैक्टर के बारे में। सैलरी की बात करें तो ये लगभग 30,000 रुपए पर एपिसोड चार्ज करती हैं, और इनकी नेटवर्थ है लगभग $1 मिलियन। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो शेयर कर दीजिए, और ऐसी ही वीडियो और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।